भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर आरोप लगाया है। गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गया, ये खबर सामने आ रही, तस्वीरें भी आ गई हैं। कार पर 6 से 7 राउंड जो है वो गोलियां चलाई गई बीजेपी की तरफ से, ये खबर जो है दी गई है। गाड़ी पर 7 से 8 बम जो है वो फेंके गए, बीजेपी नेता ने यह जानकारी दी। भाजपा के बंगाल बंद के दौरान फायरिंग और बमबाजी की खबर जो है वो यहां पर आ रही है। बंगाल में बंद के बीच बीजेपी नेता पर ये हमला हुआ गया जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रही है। भाटापाड़ में जम कर फायरिंग और बमबाजी हुई है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। अब ये स्थिति काफी खराब होती नजर आ रही, गोलीबारी में बीजेपी का एक कार्यकर्ता घायल बताया जा रहा है। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने टीएमसी पर इस गोलीबारी के आरोप जो है वो यहां पर लगाए कि गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर बैठा बीजेपी कार्यकर्ता घायल हो गया है, इस वक्त की बड़ी जानकारी। गाड़ी पर 7 से 8 बम भी फेंके गए हैं बीजेपी नेता की तरफ से, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से गोलियों के जो निशान है वो कांच पर नजर आ रहे हैं, कितनी राउंड फायरिंग जो है वो यहां पर की गई है में समझ में आ रहा है। तो बीजेपी कार्यकर्ता जो है उसको यहां पर जो है आपको बता दें कि ये जो पूरा किस्सा है वो नजर आ रहा है कि देखिए बीजेपी का जो तो ये तस्वीरें जो है लगातार आपको दिखा रही है किस तरीके से यहाँ पर जो है गाड़ी का शीशा जो है उसकी तरफ आप देखिए कितनी ज्यादा यहाँ पर जो है 6 से 7 राउंड जो गोली की यहाँ पर जो है फायरिंग यहाँ पर की गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांच जो है वो पूरी तरीके से चिटका हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि इसमें एक बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो घायल हुआ है। और इसके अलावा ये भी कहा गया कि 7 से 8 बम जो है वो भी यहाँ पर फेंकी गए। तो पहले टीएमसी और यहाँ पर जो बीजेपी है उसके बीच झड़प की खबर आ रही थी, लेकिन इसी बीच ये गोलीबारी की और बमबाजी की खबर जो है वो यहाँ पर आ रही है जो चौंकाने वाली खबर है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि जो भी चीजें यहाँ पर चल रही है उसको लेकर अब तक पुलिस वहां पर नहीं पहुंची है, ना ही तस्वीरों में नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर बीजेपी कार्यकर्ताओं को टारगेट जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से फायरिंग और बमबाजी जो है वो यहाँ पर हुई है। बंगाल में जो बंद के बीच बीजेपी नेता पर ये हमला हुआ के तस्वीरें लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा आपको अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन जो है वो लगातार हो रहा है। ये तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से गोलीबारी और बमबाजी की खबर जो है वो भी यहाँ पर सामने आ चुकी है। बीजेपी नेता ने कहा है कि करीब 6 से 7 राउंड गोलियां जो है वो यहाँ पर चलाई गई है। इसके अलावा 7 से 8 जो बम है वो भी फेंके गए हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के नेताओं को कार्यकर्ताओं को जो लगातार टीएमसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनको यहाँ पर लगातार चुनकर ये बातें की जा रही है। आपको बता दें कि यहां पर भाजपा नेता प्रियांगु पांडे ने आरोप लगाया कि उत्तर 24 परगना में ये पूरी जो घटना है वो यहां पर हुई है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने साफ तौर पर जानकारी दी है कि भाटापारा में आज सुबह टीएमसी के लोगों ने उनकी कार पर हमला किया और गोलीबारी की। भाजपा नेता अर्जुन सिंह ने कहा प्रियांगु पांडे हमारे नेता के, आज उनकी कार पर हमला किया गया और गोलीबारी की गई, ड्राइवर को गोली लगी है, 7 राउंड फायरिंग की गई, एक ACP की मौजूदगी में ये हुआ है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रियांगु पांडे को मारने की योजना जो है वो भी यहां पर बनाई गई है और टीएमसी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा के इसलिए वो इस तरह की हरकत कर रही है। दो लोग घायल हुए हैं, उनमें से एक की हालत गंभीर जो है वो यहां पर बताई जा रही है। इससे पहले हमने आपको दिखाया किस तरीके से लॉकेट चैटर्जी को यहां पर डिटेन किया गया। दूसरी तरफ हमने आपको बताया कि प्रियांगु पांडे करके बीजेपी के कार्यकर्ता को इसमें जो है वो यहां पर चोट लगी है। इसी बीच आपको तस्वीरें जो है लगातार